बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? जैसे कि आप तमाम बच्चों को पता है, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस PRC 5 की आज पहली क्लास है। और आज की क्लास में बेसिकली हम इस पूरे सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू लेंगे, पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि इस सब्जेक्ट के अंदर कितने चैप्टर हैं, किस तरह से हम चैप्टर्स को पढ़ना शुरू करेंगे, हमारी सीक्वेंस क्या होगी, वो कौन सी सोर्सेज हैं, वो कौन सी रिसोर्सेज हैं जिसको आपने अपनी इस जर्नी के अंदर साथ रखना है, और कैसे आप अपने डेली स्टडी के साथ अपने इस पेपर को इजीली पास कर सकते हो। और आपके जैसे बहुत से सवाल होते हैं कि सर हमें कितना टाइम देना है सब्जेक्ट को, हमें क्या करना चाहिए, वो तमाम चीज़ें मैं आपको आज की इस क्लास के अंदर बताऊंगा। ठीक है जी, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपके सामने सब्जेक्ट का नाम लिख दिया, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस। दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। ठीक है जी, अब ये जो सब्जेक्ट है बेसिकली आपका पूरा का पूरा थ्योरी पेपर है, यानी कि इस पूरे पेपर के अंदर कहीं भी कैलकुलेशन छू के भी नहीं गुजरी। तो थ्योरेटिकल पेपर होने की वजह से बहुत से स्टूडेंट को ये पेपर बोरिंग भी लगता है, लेकिन अच्छी बात यह है कि बिजनेस का पेपर है तो बहुत से बच्चों के जो कॉमन, यानी कि एक होता है ना डिस्कशन करने वाला पेपर है, जिसमें बच्चा टू वे कम्युनिकेशन के जरिए, जिसमें बच्चा खुद से इंटरेस्ट लेता है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है। इसलिए क्योंकि ये सब्जेक्ट थ्योरी है, बोरिंग हो जाता है, लेकिन इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि हर बच्चे को इसमें इंटरेस्ट होता है, तो वो इस बोरियत को इतना ज़्यादा हावी नहीं होने देता। हमारे पास जहाँ तक बात की जाए तो हमारे पास इस सब्जेक्ट के अंदर 10 चैप्टर हैं। एक एक करके मैं इन 10 चैप्टर के नाम भी आपके सामने लिख दूंगा। हमारे पास जो पेपर पैटर्न होता है इस सब्जेक्ट का, वो MCQs यानी कि मल्टीपल मल्टीपल आई एम सॉरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में होता है। हमारे पास टोटल 50 MCQs होते हैं, जिसमें से हमें 25 अटेम्प्ट करने होते हैं टू पास दी एग्जाम। ठीक है ना? अच्छा सर, पेपर किस तरीके का आता है, किस तरीके के सवालात होते हैं? देखिए, MCQs में आपके पास ज़्यादातर क्या होता है, ट्रू फॉल्स है, और चार में से कोई एक ऑप्शन होगा, ABCD आ जाएगा, या चार में से कोई दो ऑप्शन को टिक करना होगा। लेकिन इस पेपर के अंदर कुछ चेंजेस पास्ट में, देखें ये पेपर ऐसा है कि इसमें कोई भी टीचर ये नहीं कह सकता कि आपका ये वाला चैप्टर ज़्यादा आएगा। यानी नॉर्मली बच्चे पूछते हैं ना, सर बताएं वो कौन सा इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो एग्ज़ाम में आता ही आता है। तो अनफॉर्चुनेटली हम MCQs के अंदर कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकते इस तरह की, क्योंकि हमारे जो MCQs का पेपर है, अगर 10 स्टूडेंट एक ही क्लास के बैठे हैं तो 10 स्टूडेंट को अलग अलग तरह का पेपर आएगा। किसी का चैप्टर नंबर 1 ज़्यादा पूछ लिया, किसी का चैप्टर नंबर 10 ज़्यादा पूछ लिया, किसी का चैप्टर नंबर 4 और 5 ज़्यादा पूछ लिया, तो वेरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, पेपर टू पेपर। इसके बाद जब हमारे पास ये पेपर आता है तो पास्ट के 6-7 अटेम्प्ट में ये देखा गया है कि एग्जामिनर ने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए हैं। और सिनेरियो हमारे पास इतने लंबे चौड़े नहीं होते, कोई केस स्टडी नहीं होती, मैक्सिमम 2 से 3 लाइन के हमारे पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और वो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के थ्रू हम क्या करते हैं, आंसर्स को टिक करते हैं। अच्छा, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के अंदर एक अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। अच्छी बात यह है कि वो एक स्टूडेंट को अटेम्प्ट वाइज, यानी कि एक स्टूडेंट बाज दफ़ा एक लाइन को नहीं समझ पा रहा होता, जस्ट एक लाइन लिखी होती है और उसको नहीं समझ पा रहा होता, लेकिन जब बात आती है पूरे सिनारियो की, तो सिनारियो से वो आसानी के साथ क्या कर देता है, आंसर को रिकॉल करने में या टॉपिक को रिकॉल करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन मसला सारा यहाँ पर यह है कि स्टूडेंट सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन के पूरे सवाल को नहीं पढ़ता, वो स्टार्टिंग की एक लाइन पढ़ता है और जवाब देखने की कोशिश करता है और गलत जवाब दे के आ जाता है। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी, क्योंकि हम अपनी रेगुलर क्लासेस के अंदर इसी तरह की क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करेंगे, मैं जो आपको टेस्ट लूंगा आपसे, उसमें भी हमारी कोशिश होगी कि हम आपको सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन पे प्रिपरेशन कराएं, ताकि आप एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें अच्छे अंदाज में। ठीक हो गया?
तो हम ये नहीं कह सकते कि किसका पेपर में क्या चीज़ आएगी क्या चीज़ नहीं आएगी, हम सारी चीज़ों को कवर करेंगे, सारी चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आप अपने आप को इंशाल्लाह इंशाल्लाह आसानी के ज़रिए पास कर सकते हैं। अच्छा जी, ये तो हो गया पेपर पैटर्न। अब हम बात करते हैं कि सर वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से वेपन्स हैं, वो कौन सी रिसोर्सेज हैं जिसके थ्रू मैं अपने इस सब्जेक्ट को आसानी के से पास कर सकता हूँ। तो अगर मैं रिसोर्सेज की बात करूँ तो हमारे पास सबसे पहली चीज़ है आई कैप की स्टडी टेक्स्ट, आई कैप की स्टडी टेक्स्ट। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरी चीज़ क्या आ जाती है कि आई कैप की तरफ से हमें एक प्रैक्टिस क्वेश्चन अवेलेबल हुआ है, प्रैक्टिस क्वेश्चन अवेलेबल है, ठीक है, आपको वो भी उसके थ्रू क्या करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, यानी कि आई कैप के रिकमेंडेड जो क्वेश्चन बैंक है वो आपको मिल जाते हैं। फिर इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी एक बुक है जिसको मैं समरी बुक कहता हूँ, उसमें मैंने समराइज नोट्स अवेलेबल किए हैं और चार्ट बेस नोट्स अवेलेबल किए हैं ताकि एक बच्चा क्विकली चीज़ों को देख के मेमोराइज कर सके। इसके साथ एग्जाम के आखिरी दिनों के अंदर जब बच्चे को पूरा रिकैप चाहिए होता है अपनी पेस पे, कि वो चाहता है कि मैं अपनी पेस पे पूरा का पूरा कोर्स क्या कर सकूं, पढ़ सकूं, तो इसके लिए हमने एक चीज़ बनाई है, 13 आवर्स ऑफ, 13 आवर्स ऑफ रिविजन पैक। अब ये 13 आवर्स ऑफ रिविजन पैक क्या है, इसमें आपके पास सारे चैप्टर्स को एक समराइज अंदाज में मैंने समझाया है, और इसमें ना सिर्फ चैप्टर कवर किए हैं बल्कि आपकी जो स्टडी टेक्स्ट के एमसीक्यूज है उसको भी हमने रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल किया है, ठीक है जी, रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल किया है। तो ये वो रिसोर्सेज हैं जो आपको हासिल करनी है। कैसे हासिल करेंगे, हम हमेशा जब भी नया बैच बनता है तो हम ITB का एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें व्हाट्सएप में मैं डिस्क्रिप्शन के जो एरिया है उसमें वन ड्राइव का एक लिंक लगा देता हूँ, वन ड्राइव का लिंक, वो वन ड्राइव के लिंक को आप क्लिक करेंगे और इजीली आप वो तमाम की तमाम रिसोर्सेज को अपने पास PDF की फॉर्म में अवेलेबल कर सकते हैं ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। अच्छा जी, ये तो बात आ गई थी रिसोर्सेज की। अब हम बात करते हैं कि सर टेस्ट कैसे लिए जाएंगे। टेस्ट लेने की जहाँ तक बात है कि देखें, आफ्टर कंप्लीटिंग, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, आफ्टर कंप्लीटिंग ईच टॉपिक हम एक 25 क्वेश्चन पे बेस्ड हम एक MCQs का टेस्ट लेते हैं। गूगल फॉर्म पे मैं वो टेस्ट लेता हूँ, आपको फिजिकल टेस्ट नहीं होता, आप घर बैठे टेस्ट दें। नॉर्मली हम ये टेस्ट रखते हैं वीकेंड वाले दिन ताकि आप छुट्टी वाला दिन हो और कोई मसला नहीं हो, फ्राइडे को रख लेते हैं, वो हमारी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे हम वो दिन रख लेते हैं, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको एक सर्टेन टाइम दिया जाता है 1 से 2 घंटे का ताकि आप चीज़ों को आसानी के साथ मैनेज कर सकें, और जाहिर सी बात है जब आप टेस्ट देंगे तो आपके टेस्ट के अंदर कुछ सवाल गलत होंगे, कुछ सवाल आपको समझ नहीं आ रहे होंगे। तो ये जब टेस्ट आप कर लेंगे, जब रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, तो इस टेस्ट की रिकॉर्डेड आपको अवेलेबल कर दी जाएगी, जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपने आप को सेल्फ रिव्यू कर सकते हैं कि वो कौन सी चीज़ें थी जिसको आपने उस टाइम इग्नोर किया था जो कि नहीं करना चाहिए था। फिर इसके बाद जब टेस्ट की बारी हो गई, अब हम बात करते हैं कि सर हमने आपसे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। देखिए, क्वेश्चन पूछने की दो तरीके हैं। क्वेश्चन पूछने का सबसे पहला तरीकेकार ये है, जो कि सबसे बेहतर तरीकेकार है, कि डेली बेसिस पे मैं आपको कोई ना कोई रीडिंग के लिए पेज अलॉट करता हूँ। रीडिंग के लिए मैं कहता हूँ कि यार पेज नंबर 2 पढ़ लो, पेज नंबर 3 पढ़ लो। तो आप अपने साथ क्या करें, एक नोटबुक रखें, जब आप कोई भी लाइन पढ़ेंगे तो आपका क्वेश्चन आएगा, आप उस नोटबुक पे लिख लें और लिखने के बाद उसकी पिक्चर आप भेज दें ग्रुप पे।
तो मैं उन सवालों को भी क्या करूंगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि आपको अगर वही चीज़ मल्टीपल टाइम पूछनी पड़ेगी तो आपको इंस्टेड ऑफ मुझसे पूछें, आपको रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा। तो ये एक तरीकेकार है आप लोगों की क्यूरीज को टैकल करने के लिए, कि क्यूरीज को भी हम क्या कर रहे होंगे, रिकॉर्डेड कर रहे होंगे, रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ठीक है जी। अब ये वो तमाम जरूरी बातें थी जो इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले हमें करनी है, और कर ली अल्हम्दुलिल्लाह हमने। आई होप कि आप ये तमाम बातों को समझ चुके होंगे, और इंशाल्लाह अब हम अपने पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि हमारे पास कितने चैप्टर हैं, और हम इसके बाद अपने पहले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखें, अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।